दोस्तों चटपटी रसोई में आपका स्वागत है। आज चटपटी रसोई में हम बनाने जा रहे हैं खांडवी। तो खांडवी आज मैं बना रही हूँ, लेकिन स्टफ खांडवी मैं आज बना रही हूँ। तो स्टफ खांडवी में हम जो स्टफिंग करेंगे उसके लिए मैंने एक ये बड़ा प्याज कट किया है, बहुत ही बारीक कट कर लेना है ऐसे, और एक शिमला मिर्च को मैंने बारीक कट किया है, और दो हरी मिर्च मैंने ली है। तो सबसे पहले हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो कुछ खांडवी आज हम वैसी बनाएंगे प्लेन, जैसी शॉप पर भी मिलती है, और कुछ आज हम बनाएंगे जिसके अंदर स्टफिंग करेंगे इस मसाले की। तो देखिए, सबसे पहले हम ये मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ ये मैंने एक पैन लिया है, इस पैन में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, इतना बहुत है। और खांडवी पर हम जो है राई का छौंक लगाते हैं, तो इसमें भी हम छौंकते वक्त राई का ही यूज करने वाले हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी राई, इसके गर्म होते ही देखिए गर्म हो गया है ये। और अब इसमें डालते हैं राई, थोड़ा सा राई चटक जाए, फिर हम इसमें डालते हैं प्याज अपनी बारीक कटी हुई। खांडवी अगर हम वैसे खाएं तो थोड़ा सा मतलब वो गले में लगती है, हम ज्यादा पीस उसका उतना टेस्ट लेकर नहीं खा पाते, लेकिन जैसे हम स्टफिंग बनाते हैं तो उसके अंदर मसाले का अलग ही टेस्ट आता है। देखिए राई हमारी चटक गई है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। पहले हम प्याज को ही भुनेंगे क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी हो जाती है। थोड़ा सा पहले प्याज को भून लेते हैं, फिर इसमें शिमला मिर्च हम ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों प्याज थोड़ा भुन गई है, और अब मैंने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दिया है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च और हरी मिर्च, और इसके अंदर हम ग्रेट करके थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी ग्रेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा अदरक भी इसमें डाल देते हैं। देखिए प्याज और हमारी शिमला मिर्च, और थोड़ी सी मैंने इसमें अदरक भी डाल दी है, और अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो ये 1/4 टेबल स्पून में नमक ले रही हूँ, 1/4 टेबल स्पून ही लाल मिर्च लिए मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया, हल्दी हम इसमें डाल रहे हैं, और ये है गरम मसाला। और अब हम इसमें खटाई के लिए हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, इस तरीके से ये पूरी स्टफिंग हमारी देखिए तैयार हो गई। इसको अलग निकाल लेते हैं, और इसी पैन में हम खांडवी के लिए बेसन भी तैयार कर देते हैं। 2 मिनट इसको ढक के रखते हैं, जब तक हम अपने खांडवी के लिए बेसन तैयार करते हैं। पहले दोस्तों खांडवी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन, और ये हम इस मिक्सी के जार में डाल देते हैं। मिक्सी में ही हम मिलाने वाले हैं इसको, उससे थोड़ा इजी हो जाता है मिक्सी के अंदर मिक्स करना। और ये मैं ले रही हूँ 1/2 कटोरी, जो बेसन मैंने लिया था नाप के उसकी 1/2 कटोरी मैं ले रही हूँ इसमें दही। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, 1/2 टेबल स्पून में इसमें नमक ले रही हूँ, और हम ले रहे हैं हल्दी, ये अच्छा कलर देती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में हम इसे मिक्सी में घुमा लेते हैं, बाकी पानी हम बाद में डालेंगे। तो
अब हम इसको मिक्सी में चला लेते हैं एक बार। देखिए एकदम स्मूथ इसका ये घोल बन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूँ और एक बार हम इसे और चला लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही घोल बनकर तैयार है, कोई भी इसके अंदर लम्स नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ घोल ये बन गया है। और अब हम इसे एक पैन में पहले पका लेते हैं। यह देखिए मैंने ये पैन लिया है और इसमें ये पूरा घोल हम डाल देते हैं और इसको लगातार चलाते हुए हम पका लेते हैं। अगर हमें लगता है कि पानी कम नहीं है, वैसे ये घोल बराबर बना हुआ है, इसमें ये लम्स नहीं पड़ने चाहिए पकाते हुए। बस देखिए चारों तरफ से इसको उठाते हुए इनको हमें साथ के साथ ही ऐसे मिलाते रहना है। दो से तीन मिनट का टाइम इसको पकाने में लगता है। अब हमें इसे सीधा थाली पर ले जाना है। बस इसको गैस को हमने बंद कर दिया और अब हमें इसे थाली पर फैलाना है। देखिए यहाँ मैंने थाली को चिकना करके रख दिया है पहले ही, और अब इस पे हम इस घोल को पूरा पतला पतला फैला लेंगे ऐसे। ये हमें गरम गरम ही फैलाना है तो हम इसको रख नहीं सकते हैं, चारों तरफ। और जो बाकी बचा हुआ है वो मैं कवर करती जा रही हूँ, उसको हमें कवर करके रख देना, अदरवाइज वो ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से हल्का सा मैंने इसको चिकना किया है थाली को पहले इसे लेते हुए। अब मैं एक थाली और ले लेती हूँ और बाकी बचा हुआ हम इस पर कर लेते हैं। इस काम को हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है ऐसा। जितना हो सके हम इसे पतला फैलाएंगे इस तरीके से। अब 2-3 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको कट करेंगे और इसका रोल करेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये ठंडा हो गया है। अब हम इसमें पहले बीच में ऐसे लंबा कट लगा लेते हैं इस तरीके से, और फिर सेंटर में से एक किनारे से उठाते हुए और हम इसका ऐसे रोल बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से हमें रोल बना लेना है। अगर हमारा रोल ज्यादा बड़ा हो रहा है, मतलब कि थाली बड़ी है और रोल थोड़ा मोटा बन रहा है, तो हम बीच में से कट भी कर सकते हैं उसको। देखिए
इस तरीके से लेते हुए हमें रोल बना लेने सभी। बहुत इजीली निकल जा रही है ये, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जितना जो बेस खांडवी जब हम इस पर फैलाते हैं थाली पर, तो जितनी इक्वल हम फैलाएंगे उतनी ही सफाई से फिर रोल बनते हैं। अगर कहीं पे ज्यादा मोटी है, कहीं पे एकदम पतली है, तो वहां पर फिर पूरी शेप में नहीं आती है खांडवी। देखिए ये मैंने सभी बना ली है, कितनी अच्छी बनी है ये। और अब हम दूसरी थाली की भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। इसमें भी हम पहले कट लगा लेते हैं। ये थाली तो बड़ी है और प्लस इस खांडवी में हम स्टफिंग भी करने जा रहे हैं थोड़ी सी, तो इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्टफिंग रख रही हूँ, देखिए इस तरीके से। और इसको हम यहाँ से उठाना शुरू करते हैं किनारे से। इस तरीके से इसका रोल बनाते हैं। और अब मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। तो ये हमारी स्टफ खांडवी बन गई है। देखिए अंदर मसाला है इसमें, और इसको भी हम यहाँ रखते थे। और इसी तरीके से मसाला रखते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही मसाला रखना है, एक टेबल स्पून भी पूरा नहीं आएगा, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से हमने लिया इजीली और इसको रोल करना शुरू। देखिए थोड़ा सा दबा रही हूँ ताकि ये अंदर ही रहे। ओके, कितना अच्छा ये स्टफ हो गया है। और इसको भी हम यहाँ रखते हैं। इसी तरीके से बाकी खांडवी भी हम भर लेते हैं। अब खांडवी पे हम तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा ऑयल, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म हो जाइए, फिर हम इसमें डालेंगे राई। चेक करते हैं, अभी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा ये गर्म हो जाए फिर हम इसमें राई डालते हैं। गरम हो गया ये, अब हम इसमें थोड़ी सी हमने राई डाल दी, और थोड़े से मैं डाल रही हूँ, तिल है तो तिल भी हम डाल सकते हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं ऊपर। और तिल नहीं है तो अभी मेरे पास तिल नहीं है तो ये रखी है मेरे पास खरबूजे की गिरी जो होती है, तो मैं थोड़ी सी ये डाल रही हूँ। ये एकदम से चटकती है तो इसका हमें ध्यान रखना है। और गैस को हम बंद कर देते हैं। और देखिए ये तड़का, अब हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए सभी खरबूजे की विंगी, अगर आप ये डाल रहे हैं तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि इसको हटाकर, गैस पर ही नहीं हमें इसमें डालना है, गैस से हटा के। अब मैं ये नारियल के बुरे से, अगर हमारे पास एकदम ताज़ा बिल्कुल नारियल है, कच्चा नारियल, तो उसको भी हम ग्रेट करके लगा सकते हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी वो है नहीं, तो मैंने इसके ऊपर ये इस तरीके से इस पर मैंने नारियल लगाया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये सब मैंने स्टफिंग वाली बनाई है, और ये विदाउट स्टफिंग है। दोनों ही खाने में अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।
और मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।